चैप्टर होगा हमारा लाइट से रिलेटेड बातें करेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिनोमेना। देखो सर, ये होता क्या है ऑप्टिक्स? देखो, इन जनरल इसे कहा जाता है, इट इज द साइंस ऑफ लाइट। इट इज द साइंस ऑफ लाइट। कहने का मतलब हुआ कि लाइट से रिलेटेड जितनी भी सारी फिनोमेनाएं होंगी वो हम लोग जिस साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी फिनोमेनाएं होती है लाइट से रिलेटेड, सिर्फ एक आध जो हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सिर्फ यही तो नहीं होता, आसपास बहुत सारी फिनोमेनाएं होती है लाइट से रिलेटेड। सिर्फ एक ही फिनोमेनाएं नहीं होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, मेनली दो ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनको समझते हैं हम लोग। देखो, जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो होता क्या है, होता क्या है, तीन बातें हो सकती है। क्या क्या? एक तो लाइट इसे रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या ये भी हो सकता है कि लाइट इस मीडियम में इंटर कर जाए, मे बी ये भी हो सकता है कि लाइट इस मीडियम में इंटर कर जाए। लाइट का किसी दूसरे मीडियम से, किसी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करने वाली फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये भी चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये भी हो सकता है कि लाइट ये सरफेस एजॉर्ब कर ले, नहीं ये सरफेस से एजॉर्ब कर ले, लेकिन फिलहाल हम लोगों को इनके बारे में बात नहीं करनी। ये दो जो पॉपुलर फिनोमेना है उससे रिलेटेड हमें बातें करनी है। क्लियर है? गुड। तो सबसे पहली बात कि हम लोग सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं, बिना किसी ऑल बॉल की, बिना किसी चीज़ों को नहीं खींचे टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, इससे पहले कि आप टॉपिक स्टार्ट करें, दो तीन कुछ बेसिक टर्म्स होंगे, कुछ बेसिक बातें होंगी जो लाइट से रिलेटेड हमें समझ लेनी है। नहीं क्या कि क्या मतलब होता है लाइट का? व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट इन जनरल क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है सर, है ना? लाइट क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है? इट इज दी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, विच एनेबल अस टू सी थिंग्स, चीजों को जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। नहीं क्लियर है? अब देखो, ये लाइट जनरली हम लोग जिस लाइट के बारे में बात करते हैं वो कौन सी लाइट होती है? सनलाइट होती है। हम लोग जिस लाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं वो जनरली सनलाइट होती है सर, नॉर्मल लाइट नहीं होती है, सनलाइट होती है। क्लियर? और ये सनलाइट आती कहां से है? सन से। सनलाइट का सोर्स क्या है? सन है। तो सन से लाइट आ रही होती है, सन से जो लाइट आती है उसे हम लोग, लाइट नहीं, सन से जो रेडिएशन आती है उसे हम लोग कहते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट भी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये ईएम वेव होती है। और लाइट का ईएम वेव होने की वजह से ही इसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। आपने सुना होगा कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किसी अगर लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती तो सन से हमारे यहाँ लाइट आज भी नहीं पहुँच पाती क्या? बीच में स्पेस है, देयर इज नो मीडियम, वैक्यूम है, और वैक्यूम से भी लाइट ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि लाइट ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि वेव्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव,
मैकेनिकल वेव ऐसे वेव को कहते हैं जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, नहीं, मैकेनिकल वेव ऐसे वेव को कहते हैं जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव को कहते हैं जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। सर समझ रहे हैं? गुड। तो ये क्या है? एक ईएम वेव है, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, दैट इज आप ये कह सकते हो इट डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, इट डज नॉट रिक्वायर्ड टू मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ट्रेवल करने के लिए इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ पाए? गुड। एक और इंपॉर्टेंट बात, इससे स्पीड से रिलेटेड, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा माना गया है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, यह आपको याद रखनी है, जरूरत पड़ती है। वैसे मैक्सिमम टाइम ये गिवन होती है, लेकिन इतना डाटा तो याद रख ही सकते हैं आप, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। हाँ, अगर मटेरियल मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो, अगर लाइट मटेरियल मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये लॉन्गिट्यूडनल जैसा बिहेव करती है, ट्रांसवर्स जैसा बिहेव करती है, इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, देखो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, किसी भी मीडियम में अगर ट्रेवल करेगी, लाइट सोज ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर का मतलब हुआ ट्रांसवर्स वेव, ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं जो ट्रेवल इस तरह से करता है, क्रिस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में, ऐसे वेव ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। अगर लाइट किसी मटेरियल मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो ट्रांसवर्स नेचर शो करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई लाइट से रिलेटेड, कुछ बेसिक सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। देखिए सर, कुछ बेसिक टर्म्स से देख लेते हैं जिसे हमें इस चैप्टर को समझने में जरूरत पड़ेगी, सम बेसिक टर्म्स। सबसे पहली बात कि क्या मतलब होता है, बार बार ये टर्म यूज होगा जिसको हम लोग कहेंगे रे, रेज ऑफ लाइट या लाइट रे। लाइट रे का क्या मतलब होता है? देखो, लाइट रे क्या होता है, एक तरह से जब सोर्स होती है, सोर्स से बहुत सारी रे निकलती है, एक सिंगल सी रे, एक सिंगल नैरो पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। इमेजिन करिए वो सिंगल कितना नैरो होगा, इसीलिए अ सिंगल नैरो पाथ ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। एक सिंगल नैरो पाथ लाइट का क्या कहलाएगा, रे ऑफ लाइट कहलाएगा। क्लियर है? ये क्या करता है, ये प्रोपगेशन के, लाइट के ट्रेवलिंग, लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट्स द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट के नैरो पाथ, अच्छा, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को इंडिकेट करेगी रे, डिनोटेड बाय सिंगल एरो, एरो से डिनोट करेंगे इसे, ये रहा एरो, एरो से लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है बाबू, लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी उसे तो देखो, यहां से इस एरो देने से ये पता चल रहा है कि लाइट के ट्रेवलिंग का डायरेक्शन क्या है, सेंस क्या है, वो तो एरो से पता चल जाएगा, इसलिए रे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? चल, अगला टर्म है बीम मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ रे, नहीं, ग्रुप्स ऑफ रे को हम लोग बीम कहते हैं, बहुत सारे बंच के फॉर्म में, एकदम पूरा गुच्छा, लाइट रे का गुच्छा,
इसके जनरल थ्री टाइप्स होते हैं, ये तीन टाइप में अवेलेबल है। पहला है आपका पैरेलल रे, पैरेलल बीम। अब देखो पैरेलल बीम में क्या होगा कि सारी जो लाइट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगी, बाबू नहीं, ये लाइट रे आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल बीम कहलाई, सबके प्रोपगेशन का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। चलो दूसरा नेचर होता है इसका कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी लाइट रे किसी एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट करती हो, बहुत सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती हो। अगर ये सारी लाइट रे कहलाएगी कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट या जिसका मीटिंग पॉइंट सेम होगा, कॉमन होगा, ठीक है। और तीसरी लाइट रे बीम बच गई आपकी डाइवर्जेंट नेचर का, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम बाबू, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम का क्या मतलब हुआ, डाइवर्जेंट बीम का मतलब होता है कि कोई बहुत सारी लाइट रे अगर उसका इनिशियल पॉइंट, उसका इमिशन पॉइंट कॉमन होगा, जहां से सारी लाइट रे निकल रही होगी, इस वाले पॉइंट को हम लोग डाइवर्जेंट बीम कहेंगे, क्लियर है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कह सकते हैं उसे, कन्वर्जिंग पॉइंट, डाइवर्जिंग पॉइंट, क्लियर है। कन्वर्जेंट बीम ऐसी बीम को कहेंगे जहां पे बहुत सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती हो, और डाइवर्जेंट बीम, ये बीम की जरूरत पड़ेगी आपको, और डाइवर्जेंट बीम ऐसी बीम को कहेंगे जहां से बहुत सारी लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हो। चलिए यहां तक क्लियर है सर सबको, तो आ जाते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पे। टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो ये एक नेचुरल सी फिनोमेना होती है कि जब भी लाइट किसी मीडियम पे, किसी सरफेस पे फॉल करती है, तो वो उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है, नहीं जिसको कहते हैं रिटर्न्स बैक, नहीं रिबाउंड बैक, या जो बाउंसिंग बैक वगैरह, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है, समझो बात को। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे मान लो ये सरफेस, देखो रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट पे हो सकती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होती है कि सारी की सारी लाइट अंदर एंटर नहीं करती है, कुछ लाइट बाहर भी निकलती है, तभी तो वो सरफेस शाइन करता हुआ लगता है, जैसे ग्लास वगैरह। फिलहाल हम लोग रिफ्लेक्शन से ही बात कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि हमारे सिलेबस में 100% रिफ्लेक्शन है, इधर उधर नहीं गई है, ठीक है। देखो जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है, तो वो सरफेस क्या करता है, लाइट को उसी मीडियम में, जैसे एयर से लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके लाइट अगर एयर में ही पहुंच आती है, लाइट अगर एयर में ही आ जाती हो, लाइट से गई और वापस लाइट में ही लौट आई, मतलब एयर में गई और एयर से गई और एयर में ही लौट आई, इसे हम लोग कहेंगे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक लाइन लिख देते हैं, या आप देखो, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है, नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट रिटर्न्स बैक, मतलब जहां से गई उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी मीडियम में, रिटर्न्स बैक इनटू दी सेम मीडियम, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस लौट आई, ठीक है, इट रिटर्न्स बैक इनटू दी सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज नोन एज
इज फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है, गुड। अब यहां पे कुछ टर्म्स आपको समझने हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। देखो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट का एक नाम है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं बाबू, इसे कहा जाता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसीलिए कि लाइट रे इसी पॉइंट पे सरफेस के इस पॉइंट पे फॉल करती है, लाइट रे सोर्स से आके सरफेस के जिस पॉइंट पे फॉल करेगी ना उसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझ पाए, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर हो, और उस इमेजिनरी लाइन का नाम होगा नॉर्मल। कौन सा मल, नॉर्मल, नॉर्मल कहेंगे इसे। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, कहीं भी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो वो लाइन नॉर्मल नहीं होगी बाबू, वो लाइट रे नॉर्मल तभी होगी जब वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ की जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर, क्लियर है, वेरी गुड। और ये वाली जो लाइट रे है इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, सरफेस पे जो आने वाली लाइट रे होती है सोर्स से उसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और सरफेस से टकरा के जो वापस लौटने वाली रे होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, क्लियर, रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा ध्यान से देखो नॉर्मल का यहां पे क्या इंपॉर्टेंस है, नॉर्मल आपको ये बताएगा, नॉर्मल से ये चीजें पता चल जाती है कि लाइट कितने एंगल से फॉल करी और लाइट कितने एंगल से गई, क्लियर है, इसीलिए इस एंगल को द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसे कहा जाएगा इंसिडेंस, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल जो होगा उसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स हो गए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, क्लियर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सबका मतलब क्लियर है, गुड। देखो अब सरफेस कैसा होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा रिफ्लेक्शन कैसा है, ठीक है, आ जाओ। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, जनरली ये दो वैरायटी में अवेलेबल है आपके पास, नहीं, एक पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक दूसरा होता है डिफ्यूज जिसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर या डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये किस बात पे डिपेंड करती है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, नहीं, आइए रेगुलर समझ ले, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इसका नाम रेगुलर क्यों है ये समझिए, रेगुलर इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो रेगुलर सरफेस पे होता है रिफ्लेक्शन, और रेगुलर मतलब पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑन पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस,
जो भी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस होगा उस पर जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहलाएगी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, ये मान लो हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई और एक दूसरी लाइट रे पहली वाली लाइट रे के पैरेलल इंसिडेंट करवा दी। दोनों लाइट रे मान लो आपस में पैरेलल है, नहीं लग रही है क्या? कोई बात नहीं, ये लाइट रे आपस में दोनों के पैरेलल है। अब ये रिफ्लेक्ट तो करेगी नहीं, तो ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई और दूसरी वाली जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी वो इस तरह से करेगी कि अगर पहली वाली के पैरेलल हो जाती है तो रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर होता है, आने और जाने का पैटर्न एकदम बिल्कुल सा रेगुलर होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस रिफ्लेक्शन की खास बात क्या है, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से आपको इतना अपना जो सुंदर सुंदर मुखड़ा है वो मिरर में देख पाते हैं, या कोई चीज़ अपना चेहरा देख पाते हो, चेहरा आप उसी सरफेस पे देख पाते हो जो सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी हो, पॉलिश्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन का नेचर रेगुलर होता है, आपको अपना इमेज क्लियर वहाँ पे दिखता होगा। दूसरा है इरेगुलर, दूसरा इरेगुलर जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं ये समझिए, इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों कहा जाता है ये समझो बाबू। जैसे एक मान लो रफ सरफेस है, ये सरफेस रफ है, क्लियर है। अब रफ सरफेस पे हमने क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा दी, एक दूसरी वाली लाइट रे को भी हमने पैरेलल इंसिडेंट करवा दी, क्लियर है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगी, अनपैरेलल होगी, मतलब इरेगुलर पैटर्न शो करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज। डिफ्यूज क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बिखर जाती है अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए इसे कहा जाता है डिफ्यूज। और ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये जनरली रफ सरफेस पे हुआ करती है, जो सरफेस बहुत ज्यादा रफ हुआ करता है, रिफ्लेक्शन ऑन रफ सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑन रफ सरफेस, रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन हाँ, इसका भी अपना महत्व है बाबू, अगर रिफ्लेक्शन डिफ्यूज नहीं होगा तो पता है क्या है, आपकी विजिबिलिटी घट जाएगी। क्या मतलब हुआ विजिबिलिटी घटने का, मतलब ये हुआ कि जैसे आप जब लाइट, एक ट्यूब लाइट मान लो रूम में जलाते हो, पूरा रूम में लाइट बिखर जाती है, लाइट पूरे रूम में चली जाती है। और ये इसलिए होता है कि लाइट वॉल से या और सब सारे सामानों से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती हो, जिस वजह से लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो एक पर्टिकुलर रीजन ही आपको रूम का दिख पाएगा। इसका रोल समझ में आया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसी वजह से आपके रूम में एक ही बल्ब जलाने से पूरे रूम में लाइट चली आती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का नेचर कैसा होता है, डिफ्यूज। तो लार्जर विजिबिलिटी के लिए, आपकी विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, किसी पॉइंट को दोबारा समझना हो तो बोलिए। जब भी लाइट इस सरफेस पे फॉल करती है, मीडियम में वापस लौटती है, लौटती नहीं लौटती, बिल्कुल लौटती है, तो क्या क्या बातें होती है ये समझिए। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होती है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होती है और उसी प्लेन में नॉर्मल भी होता है। इसीलिए कहा जाता है, देखो प्लेन का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो हमारे पास कितने प्लेन है, तीन प्लेन है ना, हमारे पास कुल मिला के तीन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ऐसे समझिए, ठीक है। एक्स
वाई और मान लो जेड, तीन प्लेन है हमारे पास। अगर इन तीनों प्लेन में किसी एक प्लेन में मान लो मिरर है, जैसे मान लो, बात समझना बाबू, जैसे मान लो इस प्लेन में मिरर है, इस प्लेन में मिरर है, ठीक है, मिरर ऐसे रख दिया हमने। अब लाइट किसी इस प्लेन से आई, इस प्लेन में एक्स वाई, इस प्लेन में इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में ड्रॉ होगी, मतलब ये सारी प्लेन होगी एक्स वाई और जेड मान लो। तो अगर एक्स जेड एग्जैक्ट प्लेन में मिरर है और वाई एक्स प्लेन में इंसिडेंट रे है, तो वाई एक्स प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगी और वाई एक्स प्लेन में आपका नॉर्मल भी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल बोथ ऑल आर इन सेम प्लेन। तो पहला लॉ इसका ये हुआ, इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, सारे एक ही प्लेन में होंगे, पहला लॉ। दूसरा, इंसिडेंट रे, सॉरी, ये वाला जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट जितने एंगल से लाइट मिरर पे फॉल होगी ना, उतने एंगल से मिरर पे से रिफ्लेक्ट भी करती है सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से लाइट फॉल भी करती है, जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उतने एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है। मतलब क्या हुआ ये समझिए, जैसे यहां पे देखो एक लाइट रे, एग्जांपल समझाया, एक लाइट रे मान लीजिए 30 डिग्री से इंसिडेंट करेगी, इसका ये मतलब हुआ कि 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगी, क्लियर है, बोलो गुड। अगर ये बात आप समझ गए इसका आंसर बताएंगे, जैसे ये मिरर है, लाइट मान लो 30 डिग्री सरफेस से बना के फॉल करती है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा सोच के बताओ। देखो कारण ये है कि ये नॉर्मल, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मान लो 60 डिग्री है ना, क्यों, क्योंकि यहां से ये नॉर्मल से ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 30 मींस 60 डिग्री, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी बात कितना है 60 डिग्री, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 60 डिग्री। समझ पाए यहां तक, यहां तक किसी को कोई डाउट? पहला नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग ही फॉल कर जाती है, सीधी सीधी फॉल कर जाती है, जैसे मान लो हमारे पास ये मिरर है, मिरर मान लो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मिरर हो सकता है, ये मान लो मिरर है, अच्छा इसका नॉर्मल कहाँ होगा, मैं एकदम बिल्कुल ही इसका जहाँ सेंटर होगा कहीं भी ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है, रेडियस से मिलाने वाला लाइन नॉर्मल होगा, 90 डिग्री। अगर सर मिरर स्फेरिकल हो, कर्व वाला हो, तो कहीं पे भी सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे वो नॉर्मल होगा। चलो ये नॉर्मल है, अब लाइट को हम लोग इसी पे फॉल करा देते हैं इंसिडेंट रे, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितने एंगल पे है, 0 डिग्री। तो रूल ये कहता है चूंकि आई इक्वल टू आर होना चाहिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब लाइट इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी तरह से होगी,
इस केस में रिफ्लेक्टेड रे और का इंसिडेंट रे का पाथ सेम हो जाता है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब समझ में आया, अगर लाइट 0 डिग्री से इंसिडेंट होगी तो 0 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगी। आई बात समझ में, मतलब जिस रास्ते से आई भी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और दूसरा होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अगला है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, कर्व मिरर है स्फेरिकल टाइप का। अब ग्रेजिंग मतलब होता है टेंजेंट के अलावा, अगर लाइट देखो ना, अगर लाइट यहां पे फॉल करी है टेंजेंट के अलावा, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। रुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब लाइट यहां से इधर निकल आएगी। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर रिफ्लेक्ट लाइट यहां पे थोड़े करी है, यहां तो लाइट सीधे सीधे चली गई। ना भाई ना, रिफ्लेक्ट करी है, क्योंकि देखो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो फुल फिल है यहां पे। इसी को कहा जाता है ग्रेजिंग एंगल, सरफेस से एंगल 90 डिग्री, सॉरी जब सरफेस के अलॉन्ग फॉल कर जाएगी, दिख रहा है, तो यहां पे ये ग्रेजिंग एंगल होगा। और उस केस में लाइट का पाथ देखो फिर भी सेम है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैलिड है। ये दो बातें हो गई, देख लीजिए इसे अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बात करिए।